ये पजल वर्ड्स के कार्ड्स हैं। इसके पजल वर्ड्स को रीड किए बगैर बच्चे कभी भी रीडिंग नहीं कर सकते। कोई भी बुक जब वो उठाएंगे रीड करने के लिए तो उसके अंदर 90% पजल वर्ड्स होंगे। तो पजल वर्ड्स की रीडिंग हमें बहुत अर्ली डेवलप करनी होती है। थ्री इयर्स की उम्र में हम बच्चों की पजल वर्ड्स की रीडिंग डेवलप करते हैं। उसमें होता ये है कि आप पजल वर्ड्स के कार्ड्स इस तरह के बना लेते हैं प्रिंट राइटिंग में, और उसको लेमिनेशन करा लेते हैं, और उसको 10 कार्ड्स आप एक ट्रे में करके रख लेते हैं। अब ये जो 10 कार्ड्स हैं इसको हम बच्चों को पढ़ाएंगे, 2 दिन इसमें हम बताएंगे उन्हें, 2 दिन रिकग्निशन कराएंगे और दो एक दिन कन्फर्मेशन होगी। तो जो पहला दिन होगा मंडे का, उस दिन हम उसे पढ़ाएंगे। इन वर्ड्स को पढ़ाने के लिए इनको स्पेल नहीं करना होता, इनको डायरेक्ट पढ़ाते हैं। इज़ इज़ अप अप टू टू आई आई द द अ माय इन लिव आर एंड। ये जो एक्टिविटी अभी मैंने की उठाते हुए, एक दफ़ा मैं और पढ़ाऊँगी और बच्चे मेरे साथ साथ इसको रिपीट करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, इन वर्ड्स की तस्वीर खींचकर अपने दिमाग में रख रहे हैं, और इस मेथड को कहते हैं फ़ोटो मेमोरी मेथड। फ़ोटो मेमोरी मेथड में बच्चे जो भी वर्ड हम उन्हें दिखा रहे होते हैं उनकी तस्वीर खींच के दिमाग में रख लेते हैं। ठीक है, 2 दिन तक हम ये कराएंगे, मंडे एंड ट्यूसडे। वेंसडे को हम उससे पूछेंगे, एक एक बच्चे को वन बाय वन बुलाएंगे। एक बच्चे को बुलाया, उससे पूछा ओके वेयर इज़ द कार्ड ऑफ इज़, वेरी गुड। अब हम जब उसने इस का कार्ड हमें बता दिया तो हमें थोड़ा कार्ड्स को शफल करना है। ओके वेयर इज़ माय, वेरी नाइस। ओके गिव अ इन माय हैंड, वेरी गुड। टेक लिव इन योर हैंड, वेरी नाइस। दिस इज़ द वे वी इंट्रोड्यूस द कार्ड्स। और उसके बाद हम कन्फर्मेशन करते हैं। कन्फर्मेशन में हम बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, तो कहता है टू। व्हाट इज़ दिस अप, व्हाट इज़ दिस इज़। अब ये करने से बच्चों को रीडिंग आ जाती है और बच्चे इन वर्ड्स की तस्वीर खींच लेते हैं। अब ये लफ्ज़ उसे अगर किसी किताब में दिखाई देंगे तो वो उनको बहुत आराम से पढ़ लेगा।